तो बलसगीर के मुसलमानों ने ये फैसला किया कि तमाम तर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जिसका मकसद ये है कि मुसलमान आजादी से अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकें, अपने तमाम तर जो उनकी रवायात हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। अस्सलामुअलैकुम। वादी और रवाद से इब्राहिम नसीर हाजिर आप लोगों की खिदमत में। आज फिर वेदर काफ़ी जो है वो खूबसूरत है और बारिश जो है वो लगी हुई है ज़रा मेरे बैग में, तो बड़ा ही जो है वो ब्यूटीफुल जो है वो वेदर चल रहा है। तो बात ये सारी की सारी के कल एक बड़ा मज़ेदार किस्म का व्लॉग था रेन के ऊपर, लेकिन आज ज़्यादा बारिश हो रही है कल से, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ जो है वो उसका आज ज़्यादा मैं समझता हूँ कि दिन बनता है। खैर बड़ा काफ़ी इंजॉयबल वेदर हो गया, लेकिन ये है कि इसी के साथ साथ मैं फिर वही बात करता हूँ कि जो हमारे साउथर्न पंजाब, हमारे बलूचिस्तान में और जो सिंध इंटीरियर में जो सैलाब की वजह से हालात हुए हुए हैं ख़राब, तो हमारी जो है वो चैनल की तरफ से भी मेरी तरफ से भी ये है कि अल्लाह ताला जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। बड़ा मुश्किल जो है वो वक्त चल रहा है कंट्री के ऊपर, ओवरऑल इकॉनमिकली क्राइसिस भी चल रहे हैं और फिर इतना बड़ा जो है वो एक नेचुरल डिज़ास्टर आप कह लें वो एक चीज़ चल रही है, फ्लड वगैरह जो है, तो ये सीन है। बाकी इधर तो काफ़ी जो है वो तेज़ बारिश आज लगी हुई है रवात में। जो है वो एक 14 अगस्त का फंक्शन है हमारे कॉलेज के अंदर हो रहा, और इस सिलसिले में जो है वो हम एक सेरेमनी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं। आज जो है वो एक सेरेमनी हो रही है यहाँ पे 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन जो असम्बली का हॉल है वो बिल्कुल खाली है, मेम्बरान जो है वो एकदम मौजूद हैं। क्या वजह का यार? ये यार बाहर बारिश हो रही है तो ज़्यादातर आवाम बाहर है, तो ये सीन है। लेकिन मेम्बरान जो है वो सीरियस नहीं है, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है आज 14 अगस्त के हवाले से, सीरियस हो जाओ सारे। इसको समझा, चुप चुप कर, कुछ पढ़ा है ना? अच्छा, फिर से मेरी ख्वाहिश थी कि अली के साथ व्लॉग बनाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बना सका, लेकिन ये है कि अब मुझे टाइम मिला है। तो अली कैसे फीलिंग्स हैं आगे व्लॉग के अंदर? अच्छा लग रहा है। हम नए लोगों को वेलकम करते हैं इब्राहिम भाई के चैनल पर। एक ज़रूरी चीज़ है लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ चैनल से आशना करवाने के लिए। ये बात है। चले जी व्यूअर्स, कुछ थोड़ा बहुत फंक्शन अगर हो सका तो दिखा देंगे आप। पाकिस्तान का मतलब क्या? मोहम्मद रसूल। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत के तौर पर कायम हुआ। जब मुसलमानों की आजादी छीन ली थी अंग्रेजों के हाथों से, तो बलसगीर के मुसलमानों ने यह फैसला किया कि तमाम तर गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हम एक ऐसी रियासत बनाएंगे जिसका मकसद ये है कि मुसलमान आजादी से अपने दीन को प्रैक्टिस कर सकें, अपने तमाम तर जो उनकी रवायात हैं उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इसलिए तमाम तर मुसलमान जो हैं वो इकट्ठे हुए अंडर द लीडरशिप ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, लियाकत अली खान और नज़रिए इकबाल को फरमान चढ़ाने के लिए इस वतन की जो बनाने का मकसद है उस पर जो है। पाकिस्तान पेश की गई और उसको मौलवी एक एक फजल हक ने पेश किया, और उसका मतलब ये था कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है वहां पर मुसलमानों के लिए आजाद रियासत का क्याम किया जाए ताकि मुसलमान अपनी आजादी की जिंदगी गुजार सके। 7 साल के बाद इसी मुजाहरे को पाकिस्तान के तौर पर बदल दिया गया और पाकिस्तान 2 हिस्सों में भारत से वजूद में आया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को तो हम खो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला वेस्ट पाकिस्तान को जो है ताकि अमन जाए। माशाल्लाह काफ़ी अच्छी रही सेरेमनी जो अभी आप लोगों ने देखी, और काफ़ी लोगों को बुलाया हमने, काफ़ी स्पीकर्स थे वहाँ पे, हमारा जो डेंटल प्रेसिडेंट हैं प्रिंसिपल वो भी थे मेडिकल के भी, और प्रोफेसर अब्दुल रशीद मियाँ जो हैं जो कॉलेज के बीओएम हैं वो भी थे। अभी मैं जो हूँ उमर भाई के साथ हूँ,
मोहित के साथ हूँ, दानियाल भाई के साथ हूँ। बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छी अच्छी बातें की उन्होंने, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि पूरे ऑडिटोरियम में आप खड़े हुए अपने ख्याल का इजहार किया, मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। इसके अलावा बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल से उनको समझने के लिए आपको जो उनको समझने के लिए आपको ना एक डीप थिंकिंग चाहिए सब, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। दानियाल भाई आओ यार, कैसा आज का रहा इवेंट चैनल पे बारिश एपिसोड नंबर 2 में कैसा लग रहा है? बारिश एपिसोड नंबर 2 में बारिश अल्हम्दुलिल्लाह ठीक नहीं, लॉ की एपिसोड नंबर 2 है बारिश की, उसमें कैसा लगा? वो पहले वाला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था, वो मैंने देखा था, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर ही होगा। चलें बारिश एपिसोड नंबर 2 इख्तिताम पज़ीर होती है, और उम्मीद करते हैं आपको बारिश की जो सीज़न है इसका एपिसोड 2 बड़ा अच्छा लगा होगा। हम कोशिश करेंगे अगर ऐसा कोई मज़ीद चल सकी तो ठीक है सीरीज़, नहीं तो फिर ये लास्ट एपिसोड ही है। दो में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें। इसी के साथ फिर इब्राहिम नसीर को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।